फिल्म एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के एक ट्वीट पर बवाल हो गया है। सेना की नॉर्दर्न कमान के कमांडर के बयान का जिक्र करते हुए ऋचा ने ट्विटर पर लिखा था, गलवान से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र वेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पीओके को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है, बस ऑर्डर का इंतजार है। ऋचा चड्ढा ने इसी बयान को कोट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय। बवाल बढ़ने पर ऋचा ने माफी मांग ली है और कहा है कि मैं सेना के अपमान के बारे में सोच नहीं सकती हूं, लेकिन इस तरह का ऋचा चड्ढा का बयान तमाम तरह के सवालों को खड़ा करता है। ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर बीजेपी ने भी कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी ने इसे सेना का अपमान बताया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऋचा चड्ढा को राहुल गांधी का फॉलोअर बताया। साथ ही मुंबई पुलिस से ऋचा चड्ढा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की थर्ड ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है, ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब उत्तरी भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे ये कहे कि गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है, हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनी सेना का। और ऐसे में आप उनको उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की तरफ अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें। इसके अलावा आपको बता दें, शिवसेना के उद्धव गुट ने भी अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के बयान पर एतराज जताया और सेना का अपमान बताया। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र सरकार से ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? एक एक इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं कि गलवान सेज हाय। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। इतना जहर आप भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? इतनी कड़वाहट भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? ऐसे कलाकारों पे पाबंदी लगनी चाहिए जो देश विरोधी ट्वीट करते हो और देश के खिलाफ काम करते हो। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आइए अब आपको सुनाते हैं नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके की वापसी के लिए सेना तैयार है, बस सरकार के आदेश का इंतजार है। रक्षा मंत्री गेव दी स्टेटमेंट अबाउट दी पीओजे की, एज यू आर अवेयर दैट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द सब्जेक्ट, सो देयरफॉर इट्स नथिंग न्यू, इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, इंडियन आर्मी विल कैरी आउट एनी ऑर्डर विच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हेनेवर सच ऑर्डर्स आर गिवन वी विल ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। आपको बता दें कि नॉर्दर्न कमान के प्रमुख ने यह कहा था कि अगर गलवान का जिक्र करते हुए जब प्रधानमंत्री ने कहा था तो उन्होंने कहा पीओके चाहिए तो उसके लिए हम तैयार हैं, बस हमें आदेश का इंतजार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।